नमस्कार, आप देख रहे हैं अमिनुज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। सिपाही अपराधी कोर्ट परिसर से हथकड़ी सहित हुआ फरार, पुलिस की तत्परता से दोबारा उसे किया गया गिरफ्तार। नवगछिया के रंगड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात स्मैक की तस्करी करते हुए पकड़े गए तीन तस्करों को आज जेल भेजने के पूर्व भागलपुर कोर्ट में पेशी की जा रही थी। उसी दौरान सिपाही करण राज कोर्ट से बाहर हथकड़ी सहित फरार हो गया, जिसके बाद इसाकचक थाना पुलिस के मुंशी रितेश कुमार ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी का पीछा किया और झोपड़पट्टी के पास से भागते हुए कैदी को पकड़ लिया। वहीं कैदी को भगाने में शामिल उसका चचेरा भाई भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसे तिलकामांझी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भागने के क्रम में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार स्मैक तस्कर सिपाही करण राज जमुई जिला बल में कार्यरत हैं और पिछले कुछ माह से स्मैक की तस्करी कर रहा था। नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था और इन लोगों को पास से 475 ग्राम स्मैक बरामद किए गए थे। वहीं 42,137 रुपया और हथियार भी इन लोगों से निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए। वहीं पुलिस की गिरफ्त से भगाने वाले इनके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ कल परसों भोर में एक तीन व्यक्ति पकड़े गए थे स्मैक के साथ में, भारी मात्रा में स्मैक पकड़ी गई थी, जिसमें एसपी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम को हुआ था। तो उसमें रंगड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था एनडीपीएस का और उसी में इनको जेल भेजा जा रहा था। आज कोर्ट गेट से ये भागने का प्रयास किए, बल्कि भाग ही गए थे, फिर पुलिस अलर्ट थी तो इनको पकड़ा गया। ये इनका नाम है करण राज, सामने वाले इस्माइलपुर इट्ठा के हैं और ये नौकरी में थे, बिहार पुलिस में थे, नौकरी में थे। तो खैर इनकी संलिप्तता उस स्मैक वाले केस में थी, इसीलिए इनको जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका भाई है, चचेरा भाई है, तो उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो जिस मोटरसाइकिल से ये भागने का प्रयास किए थे वो भी रिकवर हो गई है। तो और हम लोग छानबीन करते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या इनका मंशा है या और कौन कौन लोग सहयोग किए। थैंक यू।